नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में दानेदार कीटनाशक दवा फर्टेरा तथा सिजेंटा कंपनी के द्वारा बनाए गए वर्टेको कीटनाशक दवा के बारे में बात करने वाला हूँ कि इसका उपयोग हमें धान में किस समय करना चाहिए, इसका सही समय क्या है तथा इसका डोज हमें कितना लेना है, क्योंकि अगर आप सही डोज का उपयोग नहीं करेंगे तो आपको इसका 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। और आगे वीडियो में अभी बताने वाला हूँ कि इन दोनों दवाओं में से हमें कौन सी एक दवा का उपयोग करना है जिससे कि हमें पूरा पैसा वसूल हो सके, क्योंकि आपको इन दोनों दवाइयों में सेम टेक्निकल मिलेगा लेकिन एक में एक टेक्निकल एक्स्ट्रा आता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा फायदेमंद फसल के लिए होता है। तो आगे वीडियो में दोनों के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि हमें धान की फसल के लिए कौन सा एक दवा उपयोग करना है तथा इसका रिजल्ट टाइम कितने दिनों तक रहता है, मतलब कि अगर आप इसका छिड़काव एक बार करते हैं तो वह कितने दिनों तक फसल में कीटों को कंट्रोल करके रखता है। तो आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो इससे पहले अगर चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए कृषि से जुड़ी हुई जानकारी के वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि किसान भाइयों, बरसात का मौसम आ चुका है, तो जब बरसात का मौसम आ जाता है तो जब फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है तो उसके बाद से ही तितलियों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा फसल में देखने को मिलता है। और जब तितलियों का प्रकोप शुरू होता है तो जहाँ भी तितलियाँ जा करके किसी भी पत्ती पर या फिर उनके डंठलों पर बैठती हैं तो वहाँ वह अंडे छोड़ के जाती हैं या फिर अपना लार्वा छोड़ के जाती हैं, जिसके कारण से ही वहाँ पर इल्लियों का या फिर सुंडी का प्रकोप शुरू हो जाता है। अर्थात उनके अंडे से ही सुंडी या फिर इल्ली के जन्म होता है, जिसके कारण से फसल में तना छेदक, पत्ती लपेट और भी कई सारे कीट लगने लगते हैं। तो आपको जब तितलियों का प्रकोप शुरू होता है तो उसी समय आपको दानेदार कीटनाशक का अपनी फसल में उपयोग करना है, तभी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे तितलियों का प्रकोप दिखे तो उसी समय आपको उपयोग करना है, क्योंकि जितने भी दानेदार कीटनाशक दवा हैं उनका काम लगभग 3 से 4 दिन लग जाता है उनको काम करने में, मतलब कि 3 से 4 दिन बाद ही पौधा पूरी तरह से जहरीला हो पाता है जिससे वह कीटों को नियंत्रित कर सके। आप अलग अलग कंपनियों के द्वारा बनाए गए दूसरे कीटनाशक को भी ले सकते हैं, लेकिन फर्टेरा या फिर वर्टेको लेते हैं तो यह काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप छोटे तथा बड़े पौधे के हिसाब से फर्टेरा या फिर वर्टिको में कौन से एक दवा को लें तथा कितना डोज आपको लेना है। तो सबसे पहले बात करता हूँ FMC के द्वारा बनाए गए फर्टेरा के बारे में। तो इसमें क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 0.4% होता है और यह 1 एकड़ की फसल के लिए आपको 3 से 4 किलो प्रति एकड़ उपयोग करना है, तथा पौधा अगर थोड़ा बड़ा हो गया है तो आपको कम से कम 4 किलो प्रति एकड़ उपयोग करना है, तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यह मुख्य रूप से तना छेदक, पत्ती लपेट, सुंडी तथा पत्तियों को खाने वाले कीट या फिर जो उसमें तना छेदक कीट लगते हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है। यह मनुष्यों, पक्षियों तथा पशुओं के लिए पूरी तरह से सेफ है। इसका मनुष्यों पर या फिर पक्षियों पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं होता है। और अच्छा रिजल्ट अगर आप चाहते हैं तो इसमें थायोमेथोक्सम 25% WG जो कि दानेदार फॉर्म में आता है, आप इसे भी मिक्स करके उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह सभी प्रकार के रस चूसने वाले कीटों को कंट्रोल करेगा। इसका उपयोग आपको जब अटैक दिखने लगे तो उसी समय आपको उपयोग करना है। और मार्केट में जब भी आप इसे खरीदें तो थोड़ा सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि मार्केट में इसका काफ़ी सारा डुप्लीकेट भी आ गया है, तो आप दुकानदार से ओरिजिनल बिल जरूर लें। अब बात करते हैं सिजेंटा कंपनी के द्वारा बनाए गए वर्टेको के बारे में। तो इसमें क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 0.5% और थायोमेथोक्सम 1%, अर्थात इसमें 2 टेक्निकल है और इसका डोज आपको 2.5 kg प्रति एकड़ उपयोग करना है। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, तो जिससे यह छोटे तथा बड़े और रस चूसने वाले कीटों को पूर्ण रूप से कंट्रोल करता है। अर्थात यह तना छेदक, पत्ती लपेट, सुंडी तथा पत्ती लपेट वाले कीटों को या फिर
चबाकर खाने वाले कीटों को कंट्रोल करता है और इसमें थायोमेथोक्सम भी 1% मिला हुआ है, तो यह सभी प्रकार के रस चूसने वाले कीटों को भी कंट्रोल करता है। इसका उपयोग आप जब धान की फसल लगभग 30 से 35 दिन की हो जाए तो उस समय आपको 2.5 kg प्रति एकड़ उपयोग करना है, तथा उससे अधिक की फसल अगर हो जाती है तो लगभग आपको 3 kg प्रति एकड़ उपयोग करना है। इनमें से आप किसी भी एक दवा का उपयोग करते हैं तो लगभग 50 से 60 दिनों तक इसका असर रहता है, अर्थात यह 50 से 60 दिनों तक कीटों को कंट्रोल करने का काम करता है। अब बात करें कि इन दोनों में ज़्यादा अच्छा काम कौन करेगा और ज़्यादा बढ़िया या फिर अधिक दिनों तक कौन कीटों को कंट्रोल करके रख सकता है, तो आप सिजेंटा कंपनी के द्वारा बनाए गए वर्टिको को ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको अलग से थायोमेथोक्सम के उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसमें पहले से ही कंपनी ने मिक्स करके दिया है, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं खर्च करने की आवश्यकता होगी और आपको सही रिजल्ट भी मिलेगा। तो आपको सिजेंटा कंपनी के द्वारा बनाए गए वर्टिको के ही उपयोग करना चाहिए। इसके लिए आपको लगभग 25 kg या 20 kg यूरिया लेना है और 1 एकड़ की फसल के लिए 2.5 kg से 3 kg सिजेंटा के द्वारा बनाए गए वर्टिको के लेना है और दोनों को एक साथ मिला करके फसल में छिड़काव कर देना है। ध्यान रहे, छिड़काव के समय फसल में नमी जरूर होना चाहिए जिससे कि यह अच्छी तरीके से काम करे और यह फसल पर कोई भी उसमें पीलापन या फिर दूसरा कोई भी बुरा प्रभाव ना आने पाए। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें।